नाज़रीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। हम तेरे बंदे हैं, खुदा तू है। हम खताकारों हैं, अता तू है। सलाम अलैकुम। जावेद पाशा मेरा नाम है। ये जो दरगाह जो है बहुत पुरानी है, जो दरगाह 150 साल और की है दरगाह है। इसके उसके बाद जो वाजिद बेग खुले थे रमा वाले सदर साहब के, अतौला बेग साहब के बेटे, उन्होंने मालूम होगा वाजिद बेग उन्होंने ये करते थे, सदर थे। उसके बाद अब मैं हूँ और उनके फर्जन ही सर चंद साथिया ही ऐसा लेकर अब हमें कर दिए हैं दरगाह से। ये अब हमें एक गरीब रास्ते 20 साल से हमें इसका ये कर ले काम कर ले जा रही है। इधर पूरा फूटी चाहिए था, जब हमें अपना पूरा इंशाल्लाह हमें कर ले हो जा रही है। तब हमारे एम एल ए साहब को हमें ये कर कोई जो ना बहुत अच्छा करी एम एल ए के वास्ते जाने के वास्ते हमें इनको तनी पकड़ो करें। हमें एम एल ए को बुला को यहाँ सब काम कर रही हैं। एम एल ए बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ का MLA राजेंद्र बहुत अच्छा कर रही हैं। MLA साहब हमारे बहुत अच्छा कर रही हैं, यहाँ भी करती हैं गलत ये कर रही हैं, फिर चार सी डालती हैं वहीं गलत बोल रही हैं। जो जात पात के लगे जो बोले ना, जो कोई भी नहीं है, जो ना ऐसा MLA जो है ना बहुत भारी MLA जो बोल रहे ना, वो आदमी के पास वो MLA के पास घुस के देखे तो पता चलता है वो MLA कैसा है। लोगों को मैं बोल रहे जात पात का कोई ये नहीं है, तो कोई आदमी भी ऐसा कोई आदमी भी जानते कोई भी समस्या ले लोग जानते हर बात को भी आगे गड़बड़ को काम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद, BJP माइनॉरिटी प्रेसिडेंट चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी। अब सभा उर्स है, कुरान 11वीं शरीफ है, आज ख्वाजा छठी ख्वाजा की छठी है आज, मगर हमें आदमियों को किसी को भी पता को नहीं है उर्स से गया है कदम को किसी भी मालूम पर्चे भी बना को नहीं बना को ही क्यों कहता हूँ। कल नहीं परसों हमें लाइसेंस के वास्ते इसे गए थे, हमें परमिशन के वास्ते गए थे। जब बताया ऐसा कमिश्नर ऑफिस में ऐसा परमिशन लेना लगे वहाँ जाने ऐसा ऐसा पैसा है और गवर्नमेंट के हिस्से हमें जाकर क्या भी काम नहीं कर सकते। उसमें क्या कहता हूँ, चंद अफवाह के मेन जिम्मेदार कौन है उसका खाली होते हैं, जिसके अंदर उर्स भी और कुरान 11वीं शरीफ वो दो बना रही है कमेटी के जो अहबाब हैं, उनके कमेटी के महबाब और मेन जो बड़े आदमी हम मोहल्ले के मेन जिम्मेदार आदमी हैं उनको एक जरा आदमी हमको कुछ काम कर रही है क्या वैसा ग्रांट से नहीं कर रही है तो नहीं बोल सकते। मगर किसी को भी हमें बोल को नहीं है। अब हुआ सोता हमें कहता होता होता अवॉइड कर दो कुछ हमें काम कर रही है। अब देखो किसी को मालूम नहीं आज खाजा की छठी है गदल को, अब खाली क्या मेन जिम्मेदारों को बुला को ही ना एक 30 से 40 जने जमको होता काम करते हैं। और अभी MLA साहब भी आ रही, अब उनके वास्ते भी बुला को ही बाद में दरगाह का काम था, लेकिन जावेद भी बोले हैं कि जिम्मेदार है ऐसा शीटांगा पानी की बारिश सिस्टम पर बरसात पूरा दरगाह के अंदर आता है, बाद में पानी की सहूलत नहीं है दरगाह के अंदर है। यह चीज़ हमें मैं परसों MLA साहब को बोले से होंदे क्या है इसे चीज़ दरगाह को क्या होना, तो भी इंशाल्लाह कर को देते होंगे। बाद में और एक अब कल नहीं परसों एक कैलाशपुरा में अरफात मस्जिद के लगे मस्जिद के सामने एक 3 कोनी पार्क में हॉस्पिटल का यह है, अब वहाँ का भी अब तक कौन भी नहीं कर रहे थे वहाँ के जिम्मेदार फारूक भाई गदल को, अब उनको बुला को हमें MLA साहब के नीचे एक अप्लीकेशन देखो लेटर देखो ही इंशाल्लाह वो भी एक नेक्स्ट वीक के अंदर बुला लेंगे आपको। वहाँ का कंपाउंड का काम और हॉस्पिटल को मेन क्या जिम्मेदारी होना वो चीज़ को भी पूरा काम करके देने का काम कर रही। और MLA तो उनके पास जात पात का हिस्सा नहीं है, इन्हें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसा क्या भी चीज़ नहीं है। अल्लाह के फजल से उन्होंने सबके साथ भी सबका साथ सबका विकास के साथ बोले जा रही वो काम कर ले को जा रही है जी। MLA नागेंद्रा का जो इस दरगाह को भरपूर ताउन है इंशाल्लाह दरगाह कुछ कदल को नहीं,
माइनॉरिटी के वास्ते उन्होंने अभी जब भी इच्छे अल्लाह के फजल से हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर को दल को ही उन्होंने लेटर ऐसा चामराजा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान बहुत बहुत गरीब आई उनके वास्ते कर्नाटका दल को परसों मीटिंग के अंदर भी मैं गया था साथ उनके उन्होंने एक फंड के वास्ते है माइनॉरिटी को होना का दल को महीना जरूरत क्या है वो चीज़ के वास्ते उन्होंने करने के वास्ते उन्होंने हमारे साथ राबिता में मैं भी उनके साथ 24 घंटे राबिता में हूँ उनके साथ फिर रहा हूँ कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से हर एरिया के अंदर उनके हर दिन बुद्धि पूजा हो रही एरिया में काम हो रही अब इंशाल्लाह हमारे एरिया में काम नहीं होगा है इंशाल्लाह अब उनका नेक्स्ट बार हम देखेंगे डेट उनका ले को एरिया के अंदर हमें पूरा सर्वे करा को क्या होना क्या नहीं होना काम इंशाल्लाह करते हैं जिसका मूठा माला जिसका मूठा माला राजी सब खुला माला सब खुला माला परदाइनी मुके पीछे तेरा ही जलवा था माला ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಉರುಸು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮದರಸಕ್ಕೆ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಂದು 200 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ 900 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ದಿನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು 4 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇನ್ 5 to 6 days ರಂಜಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಾನು ನೋಡಿ ರಂಜಾನು ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ದಿನಗಳು ರಂಜಾನ್ ದಿನಗಳು
ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೋಣ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಂಧವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಜೀವ ಉಳಿಯಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಇವತ್ತು ವೈರಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಟೆಂಪಲ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಈ ಥರ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸೇರಬಾರ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಜನ ಸೇರಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತವ್ಯ. ದಯಮಾಡಿ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಕಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೀವೊಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ನೀವು ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಮನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಮನೆ 8 ಜನ 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.